नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल आइकॉनिक इंडिया में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है दोस्तों किंग जॉर्ज फोर्थ के 2 अन्ना के रेयर कॉइन्स के बारे में। काफी लोग मुझे मैसेज करते हैं किंग जॉर्ज के कॉइन्स को लेकर, क्या किंग जॉर्ज के 2 अन्ना के कॉइन्स कौन से रेयर है, आप उनके बारे में मुझे बताइए। काफी लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करते हैं और यूट्यूब के कमेंट्स में भी काफी लोग कमेंट्स करते हैं, क्या 2 अन्ना में आप रेयर वराइटी के कॉइन्स की एक वीडियो बनाएं। तो आज की इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं 2 अन्ना के कॉइन्स के बारे में। तो जिन लोगों के पास भी 2 अन्ना के कॉइन्स ब्रिटिश इंडिया के किंग जॉर्ज के अवेलेबल है, तो वो लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। जो चीज मैं बताने वाला हूं थोड़ी सी डीप इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो वीडियो को आपको अच्छे से समझना है। जो चीज मैं बता रहा हूं वो आपको अपने कॉइन में चेक करनी है। फिर मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा इसी वीडियो के, क्या वो कॉइन्स आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। किंग जॉर्ज के आज की इस वीडियो में आपसे बात करूंगा 1944 के 2 अन्ना कॉइन के बारे में। सबसे पहले इस कॉइन के बारे में जान लेते हैं, इसकी शेप क्या है, इसका वजन क्या है, इस कॉइन का मेटल क्या है, क्योंकि इन चीजों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं इस कॉइन के मेटल की। निकल ब्रास की धातु में सिक्का बनाया गया था। इसका जो वेट है वो है 5.83 ग्राम, डायामीटर 25.3 mm, थिकनेस इस सिक्के की मोटाई जो है वो है 1.60 mm। इसकी जो शेप है दोस्तों वो है क्वाड्रेंगुलर। तो देख सकते हैं शेप इसकी किस तरह की है। बाकी के बहुत सारे ज्यादातर सिक्के आपने देखे होंगे ब्रिटिश इंडिया के, गोल सिक्के देखे होंगे आपने। तो अब बात करते हैं इस सिक्के में कौन से सिक्के की मिंट आपको देखनी है, कौन सी डेट के सिक्के देखने हैं। रेयर कॉइन्स के बारे में बात करूंगा 2 अन्ना के, जो कि 1944 1944 के रेयर सिक्के हैं दो। स्क्रीन पर ये जो सिक्का दोस्तों आप देख रहे हैं, अब इसमें ध्यान से देखने वाली बात है, इसमें आपको मिंट मार्क की पहचान करनी है। काफी लोग ब्रिटिश इंडिया के कॉइन्स में मिंट मार्क्स को लेकर कंफ्यूज होते हैं। काफी बार हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं मिंट मार्क्स ढूंढने में, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया के जो कॉइन्स हैं उनमें जैसे आज के सिक्कों में चलता है कि भाई डेट के नीचे मिंट मार्क्स है, तो इजिली आइडेंटिफाई हो जाता है कि भाई ये इस मिंट का बना हुआ है। लेकिन जो ब्रिटिश टाइम के जो कॉइन्स होते थे उनमें मिंट मार्क्स फाइंड करना, ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता था। तो वही चीज इस 1944 के 2 अन्ना के कॉइन्स में है। तो इस चीज को आपको अच्छे से समझना है जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। अभी स्क्रीन पर जो सिक्का दोस्तों आप देख रहे हैं 2 अन्ना कॉइन का, इसमें ये डिजाइन देखेंगे आप, बाहर का डिजाइन जहां पर मैं एरो बना रहा हूं, ये आउटर जो सर्कल देख रहे हैं आप, बाहर का जो डिजाइन देख रहे हैं, इसमें आपको मिंट मार्क ढूंढना है। ये सिक्के 1944 के दोस्तों जो बनाए गए थे, ये 3 अलग अलग मिंटों में बनाए गए थे, बॉम्बे, कलकत्ता और लाहौर मिंट में। उस समय पार्टीशन नहीं हुआ था, बंटवारा नहीं हुआ था, तो भारत पाकिस्तान उस समय एक ही थे। तो ये कॉइन पूरे भारत और पाकिस्तान दोनों, पूरे भारत में ही सर्कुलेशन में थी ये जो ब्रिटिश करेंसी थी। तो ये सिक्के जो मैंने बताया 2 अन्ना के कॉइन लाहौर, कलकत्ता और बॉम्बे मिंट में बनाए गए थे। इसमें मिंट मार्क की कैसे पहचान करें वो चीज समझने वाली है। तो आपको चेक करना है आपके पास कौन सी मिंट का सिक्का है। तो एरो के माध्यम से जो मैं समझा रहा हूं ये चीज आप अच्छे समझिए। जो बाहर का आप सर्कल देख रहे हैं इसमें आपको ध्यान से देखना है, अगर आपके सर्कल में यहां पर चारों तरफ एल बने हुए हैं तो आपका ये कॉइन है लाहौर मिंट का 2 अन्ना कॉइन। लाहौर मिंट का सिक्का इसमें थोड़ा महंगा होता है, जिसकी फाइन कंडीशन में कीमत होती है 700 रुपए, वेरी फाइन कंडीशन में 900 रुपए, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 2000 रुपए और यूएनसी कंडीशन में 5000 रुपए तक कीमत जाती है लाहौर मिंट के सिक्के की 2 अन्ना 1944। अब इसमें बात करते हैं बॉम्बे मिंट के कॉइन की। तो बॉम्बे मिंट का सिक्का दोस्तों जो आप देख रहे हैं इसमें देख सकते हैं 1944 दोनों तरफ डॉट बना हुआ है, और ये जो आउटर सर्कल है इसमें आप देख सकते हैं सीधे सीधे स्ट्रेट लाइनें खींची हुई है। लेकिन आपको ध्यान देना है बस इन दोनों डॉट पर ध्यान देना है, क्योंकि ये जो सीधी लाइनें खींची हुई है ये कोई लाहौर वगैरह मिंट मार्क नहीं है, सीधी सीधी लाइनें खींची हुई है। तो आपको इन दो डॉट से पहचान करनी है, ये है बॉम्बे मिंट का सिक्का। अब बात करते हैं अगला कौन सा सिक्का है जो एक्सट्रीमली इसमें रेयर है, जो वैल्यूएबल माना जाता है, वो है कलकत्ता मिंट का सिक्का। अब कलकत्ता मिंट के सिक्के की, तो कलकत्ता मिंट के जो कॉइन की जो पहचान है, ये जो बाहर का आप सर्कल देख रहे हैं इसमें आपको कोई भी मिंट मार्क्स नहीं मिलेगा, ना ही इस तरह का कोई एल शेप का मिलेगा, ना ही कोई स्ट्रेट लाइनें मिलेगी, ये बिल्कुल आपको ब्लैंक मिलेगा। तो कलकत्ता मिंट का सिक्का इसमें एक्सट्रीमली रेयर है 2 अन्ना का। तो यही चीज आपको ध्यान में रखनी है जो मैंने बताया है कि जो सर्कल है अगर इसमें चारों में एल बना हुआ है तो वो लाहौर मिंट का है, और अगर इस सर्कल में कुछ भी नहीं बना हुआ है, 1944 के 2 अन्ना कॉइन की बात कर रहा हूं, तो वो आपका कलकत्ता मिंट का सिक्का है।
कलकत्ता और लाहौर मिंट के सिक्के इसमें वैल्यूएबल है, लेकिन जो इसमें रेयर है, जो एक्सट्रीमली रेयर है, वो है 1944 का कलकत्ता मिंट का सिक्का, जिसकी वैल्यू है 1,000 रुपये से लेकर और 25,000 रुपये तक। फाइन कंडीशन में 1,000 रुपये, वेरी फाइन कंडीशन में 3,000 रुपये, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 6,000 रुपये और यूएनसी कंडीशन में 25,000 रुपये। तो अगर आपके पास कलकत्ता मिंट का सिक्का है, तो आप समझ लें कि आपके पास एक 2-1 का रेयर कॉइन है, जो आप अपने कलेक्शन में रख सकते हैं। अगर उस सिक्के को आप बेचेंगे, तो उसके आपको 100% अच्छी वैल्यू जरूर मिलेगी। ये रेयर कॉइन है, इनकी मिंटेज काफी लो है। कलकत्ता मिंट की मिंटेज काफी लो थी, और उसके बाद लाहौर मिंट के कॉइन की मिंटेज काफी कम थी। अगर आप जानना चाहते हैं कौन से सिक्कों की कितनी मिंटेज होती है, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर दिया करें। मैं इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट कर आपको बता दिया करूंगा कौन से सिक्के की कितनी मिंटेज हुई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, वहां पर जाकर मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। वहां पर मैं नई नई अपडेट्स डालता रहता हूँ कॉइन्स और नोट से रिलेटेड, और मिंट मार्क्स वगैरह बहुत अलग अलग चीजें डालता रहता हूँ न्यूमिस्मैटिक्स से रिलेटेड। तो आज की इस वीडियो को दोस्तों मैं ही खत्म करता हूँ। मुझे चेक करके बताइएगा कि आपके पास कौन सी मिंट का सिक्का इसमें अवेलेबल है 1944 2-1 में। क्या आपके पास लाहौर मिंट का है, बॉम्बे मिंट का है, या कलकत्ता मिंट का है। आज की इस वीडियो को दोस्तों मैं ही खत्म करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।